उत्तर प्रदेश में शाइन सिटी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शुक्रवार को 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये सर्च ऑपरेशन राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, हरदोई समेत अन्य कुल लोकेशन पर चले। सर्च ऑपरेशन के दौरान काफी महत्वपूर्ण सबूत, दस्तावेज और काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब्त किया गया। जांच एजेंसी के द्वारा 800 करोड़ रुपए से इस फर्जीवाड़ा मामले में पिछले कुछ महीनों से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। जांच एजेंसी ईडी की लखनऊ ब्रांच के द्वारा इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। इस साल अक्टूबर महीने में जांच एजेंसी के द्वारा करीब 17 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था। अटैच की गई संपत्तियों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही करीब 11 हेक्टेयर जमीन को अटैच किया गया। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि आरोपियों से संबंधित और मनी लॉन्ड्री से जुड़े पैसों से अर्जित इस अटैच की हुई 17 करोड़ की प्रॉपर्टी का आज की तारीख में बाजार मूल्य करीब 100 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में अब तक करीब 128 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है, जिसका बाजार मूल्य सैकड़ों करोड़ रुपए माना जा रहा है। शाइन सिटी घोटाला मामले में तफ्तीश यूपी में स्थित ईडी के लखनऊ जोन में की जा रही है। इस घोटाले मामले में मुख्य आरोपी राशिद नसीम को माना जा रहा है, जो कंपनी का CMD रहा था। हालांकि फिलहाल वो आरोपी देश से फरार हो चुका है और दुबई में रहकर यहां अपनी कई चिट फंड वाला काम कर रहा है, जिसे भारत में लाने के लिए यानी उसके प्रत्यार्पण करने के लिए उचित कानून सलाह की जा रही है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।